हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुदामा जुयाल NCERT में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी बसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। हम आपको बताएंगे बच्चों इस कविता का भावार्थ, सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कविता का भावार्थ। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इन पंक्तियों का भावार्थ आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है, वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उल्लास व खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं, लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उड़ा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछुड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जा रहे हो। इसके बाद अगली लाइन है बच्चों, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ पर आप भावार्थ में लिखेंगे, कवि का कहना है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, यह तो बताना नहीं चाहते हैं, वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं, उन्हें चलना है इसलिए चलते हैं। गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है, इस भाव को वे मानते हैं। संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका वे समरूपी वापस कर देते हैं, यानी कि उतना ही वापस कर देते हैं। जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र है। जीवन में दुख सुख रात दिन खुशी गम लगा रहता है, मानव मात्र इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है, लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं। दीवाने दुख और सुख को जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि हम दुख और सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें समभाव से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद अगली पंक्तियाँ हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भावार्थ में, कवि के अनुसार दीवाने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानते हैं, दुनिया को सिर्फ लेना आता है देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने लोग अपना स्नेह और प्यार निर्बाध गति से लुटाते चलते हैं। दुनिया दीवानों को असफल व्यक्ति मानती है, क्योंकि सांसारिक अर्थ में जिसे सफलता माना जाता है दीवाने उसे नहीं पाते हैं। दुनिया उनके मस्त मौलापन को असफलता मानती है। दीवाने अपना और पराया का भेद नहीं मानते हैं, वे चलते रहते हैं, क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है उनके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। दीवाने संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम स्वयं बनाते हैं और इसी अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। सबसे मज़े की बात है कि दीवाने इतने मस्त मौलापन में होते हैं कि वे अपने ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था बच्चों यहाँ पर इस पूरी कविता का भावार्थ जो हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस कविता का सारांश। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता हो, लेकिन उनका कार्य
प्रासंगिक रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं जगत में आनंद और उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए चलते हैं। वे मनुष्य जीवन की दुखों और परेशानियों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं। लोगों पर उनका इतना प्रभाव रहता है कि उनके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और चले जाने पर आंसू बहाते हैं। गति ही जीवन है और रुकना ही मृत्यु है। दीवानों के लिए सभी मनुष्य अपने होते हैं। वे सभी को अपना प्रेम बांटते हैं। वे दुनिया से जितना ग्रहण करते हैं उससे भी अधिक वे सूद समेत वापस करते हैं। सभी सुख दुख के क्षण में वे समान भाव से रहते हैं। दुनिया दीवानों के अनुसार भिखमंगों की दुनिया है, जहाँ पर केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उनकी यही सरलता को दुनिया असफलता मानती है। दीवाने अपने पराये में भेद नहीं करते हैं। वे सभी की मंगल कामना करते हैं, भले ही दुनिया उनके बारे में कैसे भी विचार रखती हो। दीवाने स्वच्छंद होते हैं। वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं और मज़े की बात है कि वे अपने नियमों से स्वयं भी बंधे नहीं होते हैं। वे अपने स्वयं के नियमों को तोड़कर जीवन में गतिमान रहते हैं। तो ये था यहाँ पर इस कविता पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं दूसरा प्रश्न बच्चों, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? तो उत्तर में लिखेंगे आप, यहाँ भिखमंगों की दुनिया में, तो उत्तर में आप लिखेंगे, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। इससे लगता है कि कवि निराश है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना ये दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। अगला प्रश्न है तीसरा बच्चों, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर में आप लिखेंगे, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये तीसरा प्रश्न आपका और उसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों भाषा की बात का, और चौथा प्रश्न ये, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर और खुल कर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कैसे शब्दों का? छक कर, जी भर कर और खुल कर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंस कर और गा कर। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, खींच कर, पी कर, मुस्कुरा कर, दे कर, मस्त होकर और सराबोर होकर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ से देख के लिखें बच्चों, अच्छे से लिखें, इन्हें याद भी करें। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 हिंदी बसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ। आपका दिन शुभ हो।